गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज यहाँ पे आपको बताऊँ एक छोटी सी चीज़। जैसे सब्सक्राइबर का एक सवाल आया था, उस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाने का ही फैसला किया। दोस्तों यहाँ पे क्या मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये सवाल ऐसा जेन्युइन सवाल है कि कितने ही लोगों के दिमाग में आता होगा, तो यहाँ पे कितने ही न्यू सेलर्स के दिमाग में आता होगा। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर ने पूछा कि क्या क्यूसी होने के बाद, क्वालिटी चेक होने के बाद प्रोडक्ट डिटेल्स को चेंज किया जा सकता है। प्रोडक्ट डिटेल्स में बहुत सारी चीजें आती है दोस्तों, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गया, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपको भी पता होगा कि प्रोडक्ट डिटेल्स में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जो जो डिटेल है वो प्रोडक्ट डिटेल्स कहलाती है। तो क्या वो डिटेल्स में चेंजेस किया जा सकता है, उनको एडिट किया जा सकता है, ठीक है, क्यूसी होने के बाद? तो इसका सिंपल सा जवाब दोस्तों, यस इट कैन बी डन इवन आफ्टर क्यूसी, प्रोडक्ट डिटेल्स कैन बी चेंज्ड। अब ये चेंज कैसे किया जा सकता है, इसके दोस्तों दो तरीके हैं। या तो आप यू हैव टू रेज द टिकट, या तो आप टिकट रेज करिए, ठीक है, और उसके थ्रू फिर आप उसमें प्रोडक्ट डिटेल्स चेंज कीजिए, या दूसरा और जो इजिएस्ट वे है वो ये है कि आप खुद भी जाके डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वहां पर प्रोडक्ट की डिटेल चेंज कर सकते हैं क्यूसी होने के बाद भी। हाँ, बस ये है कि प्रॉब्लम की थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो अगेन मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी लोगों के दिमाग में ये सवाल था, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके पूछिए। इस टाइप के जो भी सवाल हो, मैं Either I will reply in the comment box, या फिर मेरे को लगेगा कि यार ये ऐसा सवाल है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आया हुआ होगा या आता होगा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर समझाने की या एक्सप्लेन करने की ही कोशिश करूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। प्लीज अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।